रोहन एक 60 साल का बूढ़ा आदमी है जो कि अभी बहुत बीमार है। उसकी बीमारी की वजह वो खुद है। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी ताज़ा खाना नहीं खाया, हर दिन फास्ट फूड खाता था। इसी वजह से आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब तो बचना भी मुश्किल लग रहा है। काश मैंने अपनी जवानी में अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, आपकी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है। टेंशन लेने से आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। अब इससे ज्यादा और क्या खराब हो सकती है मेरी तबीयत? अब तो मुझे यकीन भी नहीं है कि मैं कल जिंदा रहूंगा या नहीं। देखिए, आप हिम्मत मत हारिए, हम लोग आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तो मुझे सिर्फ वही बचा सकते हैं जो इस दुनिया के रखवाले हैं। जीवन भगवान को याद करके हॉस्पिटल के बेड पर लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है। कुछ देर में वो गहरी नींद में चला जाता है और उसको एक सपना आता है कि एक गुफा में जादुई पत्थर है जिसको तराश कर डंबल बनाकर एक्सरसाइज करके सेहत को ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। सॉरी, अभी हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, आपकी हालत बहुत नाजुक है। मुझे पता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं यहाँ रहकर वैसे भी ठीक नहीं होने वाला। अब जीवन बहुत जिद करता है तो डॉक्टर उसको डिस्चार्ज करने के लिए राजी हो जाती है, पर घर जाकर उसे आराम करने की हिदायत देती है। जीवन हॉस्पिटल से निकल जाता है। अब जीवन अपने सपने के अनुसार वहाँ से सीधे गुफा की तरफ निकल जाता है। अगर मेरे सपने वाली बात सच निकली तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी और फिर मैं अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखूंगा। जीवन आहिस्ते आहिस्ते गुफा के पास जाता है, पर वो गुफा बंद होती है। अरे, ये गुफा तो बंद है। तुम्हें मेरे दरवाजे को खोलने का पासवर्ड बताना पड़ेगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। जीवन सपने को याद करने की कोशिश करता है और कुछ देर याद करने पर उसको पासवर्ड याद आ जाता है। खुल जा सिमसिम दरवाजा। खुल गया दरवाजा, हे इंसान अंदर आ जा। पासवर्ड से दरवाजा खुलने पर जीवन गुफा के अंदर जाता है। वो बहुत ढूंढता है पर उसको फिर भी जादुई पत्थर नहीं मिलता और वो बहुत निराश हो जाता है। मैं भी पागल हूँ जो एक सपने को सच मानकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ इस गुफा में आ गया। अब जीवन इस गुफा से बाहर जाने लगता है, तभी उसको गुफा के कोने से एक रोशनी की किरण चमकती हुई नजर आती है। वो कुछ पल के लिए रुक जाता है और उस रोशनी की तरफ ध्यान से देखता है। कहीं ये वही जादुई पत्थर तो नहीं जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? चलो, जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो जाकर देख लेता हूँ। जीवन उस रोशनी के पास जाकर देखता है। वो रोशनी एक पत्थर से आ रही है। ये देखकर जीवन बहुत खुश हो जाता है। ये हुई ना बात, अब मैं भी अपने बीमार शरीर को ठीक कर सकता हूँ। वो उस जादुई पत्थर को लेकर आता है और उसे तराश कर बहुत सारे डंबल बनाता है और उन डंबलों से एक्सरसाइज करना शुरू करता है। जैसे जैसे वो एक्सरसाइज करता जाता है, उसका बीमार शरीर ठीक होने लगता है और वो कुछ ही समय में एकदम ताकतवर पहलवान बन जाता है। जय हो प्रभु, मेरा सपना सच हो गया, मेरी सेहत ठीक हो गई है। अब मैं हमेशा ताज़ा खाना खाऊंगा और हर दिन कसरत करूंगा। अब जीवन हर दिन समय पर खाना बनाता है और समय पर उसे खाता भी है। वो अब कभी भी फास्ट फूड नहीं खाता। सुबह जल्दी उठकर वो हर दिन अपने जादुई पत्थरों के डंबल से एक्सरसाइज करता है। वो सूरज निकलने तक कसरत करता है और सूरज की पहली किरण निकलने के बाद कसरत बंद करके धूप सेकने लगता है। कुछ देर धूप सेकने के बाद वो अपने घर में आता है और खाना बनाता है। ये हुई ना जिंदगी, अब तो जीने में मजा भी आ रहा है। सचमुच मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं अपनी तरह ही दूसरे लोगों की भी जिंदगी संवारूंगा। इसके साथ ही वो जवान लड़के जो कि घर का खाना छोड़कर फास्ट फूड खाते हैं,
उनको भी पौष्टिक खाना खाने की सलाह देता है। अरे भाई, क्यों ये अनाप शनाप खा रहे हो? तुम्हारे घर पर खाना नहीं बनता है क्या? ये अनाप शनाप नहीं है, इसको चौमिन कहते हैं, और मैं कुछ भी खाऊं, उससे आपको क्या? बेटा, ये चाइनीज खाना तुम्हारे शरीर को बीमार कर देता है। मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूँ और मैं नहीं चाहता कि अब कोई दूसरा इसे खाकर बीमार पड़े। जीवन शिवम से बात कर ही रहा था कि तभी उसके पेट में जोर से दर्द होना शुरू हो जाता है। मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जीवन शिवम को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां डॉक्टर उसको फास्ट फूड न खाने की सलाह देती है। तुम्हारे पेट में फास्ट फूड खाने से बहुत गंदगी जमा हो गई है, अगर तुमने फास्ट फूड खाना बंद नहीं किया तो ऑपरेशन करने की नौबत भी आ सकती है। नहीं नहीं, मुझे नहीं करवाना कोई ऑपरेशन, मुझे ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। इससे तो अच्छा ये होगा कि मैं आज से फास्ट फूड खाना छोड़ दूं और एक्सरसाइज करना शुरू कर दूं। अब शिवम हर दिन जीवन के जिमखाने में जाकर एक्सरसाइज करने लगा और उसने फास्ट फूड खाना भी बंद कर दिया। साथ ही वो अपने कई दोस्तों को भी अपने साथ जिम लेकर जाने लगा। ये देखकर फास्ट फूड वाले और बाकी जिम के मालिक जीवन से बहुत चिढ़ने लगे। ता नहीं इस मनहूस ने लड़कों पर क्या जादू कर दिया है कि अब सभी लड़कों ने फास्ट फूड खाना बंद ही कर दिया है। फास्ट फूड तो फास्ट फूड, लड़कों ने मेरे इतने अच्छे जिम को छोड़कर उसके उस देहाती अखाड़े में जाना शुरू कर दिया है। अब तुम ही बताओ, मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए इतनी अच्छी मशीन है और उसके पास बस कुछ पत्थर की मशीनें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जल्दी से कुछ करना होगा भाई साहब, नहीं तो ये मनहूस हम दोनों का धंधा बिल्कुल चौपट कर देगा। अब फास्ट फूड वाला और जिम का मालिक दोनों मिलकर जीवन के खिलाफ साजिश रचने लगे ताकि उसके पत्थर का जिमखाना बंद हो जाए। उसने रात को उनके जिमखाने में बहुत सारी जल्दी उगने वाली घास लगा दी और सुबह होते ही पूरा अखाड़ा घास से भर गया। सभी लोग सुबह अखाड़े में आते हैं तो वो ये देखकर चौंक जाते हैं। इतनी सारी घास यहाँ अचानक कैसे उगाई? अब हम लोग कसरत कैसे करेंगे? गुरुजी, हमने आज तक कसरत करके जो शरीर बनाया है उसी की ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। हम सभी लोग मिलकर इन घासों को उखाड़कर फेंक देंगे। अब शिवम, जीवन और अखाड़े में कसरत करने वाले लोग मिलकर उस घास को उखाड़ने लगे। देखते ही देखते उन्होंने बहुत सारी घास उखाड़ दी, पर तभी जीवन के दिमाग में एक विचार आता है और वो सभी लोगों को घास उखाड़ने से मना कर देता है। मुझे लगता है अब हमें कुछ घास छोड़ देनी चाहिए, इससे कसरत करते समय हमारे शरीर पर धूल मिट्टी भी नहीं लगेगी और अखाड़ा भी हरा भरा बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, ये सही रहेगा, वैसे भी घास पर पैदल चलने से ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। अब ये सभी लोग मिलकर बची हुई घास को इस तरह से काटते हैं कि ये घास जमीन पर बिछाई हुई कालीन की तरह लगने लगती है। अब तो हमारा जिम खाना और भी ज्यादा सुंदर देखने लगा है। ये देखकर तो बड़े घर के लोग भी हमारे जिम खाने में आना शुरू कर देंगे। जीवन की कही हुई बात सच हो जाती है। अब धीरे धीरे सभी लोग जीवन के पत्थर जिम खाने में आने लगते हैं। जीवन भी सभी लोगों को अच्छे से कसरत करना सिखाता है। मेरा जिम तो बंद ही हो गया है, कोई जिम करने आ ही नहीं रहा है। मेरे फास्ट फूड का काउंटर तो मैंने खुद ही बंद कर दिया, क्योंकि मेरा खुद का बेटा ये फास्ट फूड खाकर बीमार पड़ गया था। अगर मैं अपने बच्चे को अपने हाथ का बनाया हुआ नहीं खिला सकता तो भला दूसरे लोगों को ये जहर कैसे खिला सकता हूँ। अब फास्ट फूड का ऑनर खुद भी कसरत करने लगता है और लोगों को कसरत करने और ताज़ा खाना खाने के बारे में जागरूक करने लगता है। रेखा बचपन से ही हर काम के लिए अपनी बड़ी बहन मंजू के ऊपर आश्रित रहती थी। मंजू की शादी होने वाली थी। एक दिन, अभी तक मैं तुम्हारे कपड़े संभाल लिया करती थी, मैं तो कुछ ही दिनों में चली जाऊंगी, तब तुम्हें माँ के साथ सब काम भी करना होगा और अपने कपड़ों और अलमारी का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है ठीक है, तब की तब देखी जाएगी, जब तक तुम हो मैं क्यों अपना सर खपाऊं? मंजू की आंखें भर आई प्यार से, उसके गाल थपथपाते हुए, तुम मेरे प्यार का बहुत फायदा उठाती हो रेखा, ससुराल जाओगी तो कैसे करोगी सब कुछ? अभी ससुराल जाने में बहुत समय है, पहले तुम तो जाओ। मंजू की शादी के बाद
रेखा बहुत रोई। एक तो उसके जाने का गम, दूसरे काम का बोझ। एक हफ्ते बाद, माँ मुझसे इतने काम नहीं होते, कोई जरूरत नहीं है सारे काम खुद करने की, कोई काम वाली रख लो ना, मुझे कॉलेज का बहुत काम करना पड़ता है। अभी तक मंजू थी तो काम की सारी जिम्मेदारी संभाले हुए थी, उसके जाते ही काम वाली रख लूं? नहीं, तुमसे नहीं होता तो रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। धीरे धीरे रेखा ने साइकोलॉजी में मास्टर्स कर लिया। उसकी शादी की बात घर में चलने लगी थी। शादी होकर ससुराल आई तो घर में एक ननद रीनी और देवर विजय भी थे। बहू के आने पर सास को उम्मीद थी कि बहू रसोई और घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेगी। रेखा ने आकर सारी जिम्मेदारियां संभाल भी ली थी। अपनी सास के आगे पीछे घूमती रहती, माँ जी लाइए आपके बालों में कलर लगा दूं, कितनी अच्छी लगेंगी आप। अरे नहीं बहू, इस बुढ़ापे में क्या सजना सवरना। लेकिन रेखा ने जबरदस्ती उनके बाल कलर कर दिए। रीनी को भी खूब प्यार करती थी वो, विजय के साथ भी खूब गपशप करती थी। भाभी मुझे ये स्टैटिक्स जरा समझा देंगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ये तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। शादी को 3 महीने ही हुए थे, रविवार के दिन सब ने घूमने का प्रोग्राम बनाया। भैया आज बोटिंग पर चलते हैं। गुड आइडिया, बहुत मजा आएगा। सब बोटिंग के लिए गए लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक नाव का बैलेंस बिगड़ गया और अजय जो कि किनारे पर ही बैठा था पानी में गिर गया। विजय पानी में कूद गया पर थोड़ी देर बाद ही खाली हाथ वापस आ गया। किनारे पर आकर जाल भी डाला गया पर अजय का पता ही नहीं चला। पूरा परिवार सदमे में आ गया। मैं रेखा के माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरा लाल कहाँ चला गया। कहते कहते वो बेहोश हो जाती हैं। सारे रिश्तेदार जो कुछ दिनों पहले शादी में आए थे अब मातम के लिए आ रहे थे। रेखा तो बिल्कुल मूक हो गई थी। परसों की रात ही तो उसे पता चला था कि वो माँ बनने वाली है। अपने होने वाले बच्चे को लेकर उन दोनों ने उस रात कितने सपने सजा डाले थे। उसके मम्मी पापा और मंजू दीदी भी आए थे पर कोई उसको रुला नहीं पाया। रेखा तुम माँ के साथ चले चलो। नहीं दीदी मुझे कहीं नहीं जाना है। मम्मी पापा और दीदी वापस चले गए। मैं बोटिंग की बात ना करती तो भैया को कुछ ना होता। दूसरे दिन गांव से अजय की ताई जी आई। अजय की माँ, बहू से कहो उसकी चूड़ियाँ तोड़नी होगी और मांग का सिंदूर भी मिटाना होगा। रेखा चुपचाप सारे कर्मकांड करवाती रही, आंखों से आंसुओं का एक कतरा भी नहीं गिरा। उसको किसी तरह रुलाओ वरना ये सदमा इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ताई जी उनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया है, इससे खतरनाक और क्या हो सकता है। बेटा हमने भी वैधव्य का जीवन गुजारा है पर ऐसे चुप थोड़ी ना हो गई थी। मैं तो सिर्फ 16 साल की थी जब तुम्हारे ताऊ जी खत्म हो गए थे। तभी अजय के मम्मी पापा आ गए। विजय जरा हमारे साथ आ। क्या बात है पापा? विजय रेखा के पापा का फोन आया था, वो कह रहे थे कि रेखा को ले जाना चाहते हैं। पापा भाभी को भेज दीजिए, उनके लिए अभी यही ठीक रहेगा। विजय मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पापा। विजय मैं चाहता हूँ कि तुम रेखा से शादी कर लो बेटा, घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी। पापा ऐसा कैसे हो सकता है, आप लोगों ने ही मेरी शादी नीलू से तय की थी, मैं तो नीलू से ही शादी करना चाहता हूँ, मैंने भाभी को कभी उस नजर से नहीं देखा। विजय ये हमारी बदनसीबी है कि नीलू को हम अपनी बहू नहीं बना सकते। अजय का बच्चा रेखा की कोख में पल रहा है, ऐसा ना होता तो उसकी दूसरी जगह भी शादी हो सकती थी, पर हम अजय की आखिरी निशानी कैसे छोड़ सकते हैं। माँ तुम लोगों ने मुझसे मेरी जिंदगी ही मांग ली, मैं क्या कह सकता हूँ। ये कहकर वो तुरंत घर से निकलकर सीधा नीलू के घर पहुँच गया। विजय भाभी कैसी है, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई उनके साथ, कैसे काटेंगी अपनी जिंदगी। नीलू अजय के जाने के बाद अब हमारी जिंदगी पर भी ग्रहण लग गया। मतलब? भाभी अजय के बच्चे की माँ बनने वाली है इसीलिए मुझे उनसे शादी करनी होगी। लेकिन विजय मेरा क्या होगा, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ, ये बलिदान तो देना ही पड़ेगा। अगर हमारी शादी हो गई होती तब क्या होता। ऐसे तो अजय को कुछ नहीं होता, तब क्या होता। अभी सामने जो परिस्थितियाँ हैं उनके बारे में बात करो, तुम्हें कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। तुम जाओ विजय, मेरी चिंता मत करो, मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। विजय घर वापस आकर, माँ
पापा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा, पर नीलू को भूलने में समय लगेगा, इसलिए मुझे कोई दोष मत दीजिएगा। मैं रेखा के माता पिता को समझाने की कोशिश करूंगा कि वो अभी बहू को उसके हाल पर ही छोड़ दें। एक महीने बाद। माँ, इस शादी में कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही साधारण ढंग से आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेंगे। रेखा के माता पिता की उपस्थिति में रेखा विजय के साथ परिणय सूत्र में बंध गई। अपने बच्चे के बारे में सोच कर रेखा ने कुछ नहीं कहा। शादी के बाद। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। जब तक तुम मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, तब तक हम एक दूसरे के दोस्त बनकर रहेंगे। विजय, तुम बहुत महान हो। ये कहते कहते रेखा की आंखों से गंगा जमुना बह निकली। अजय के माता पिता ने अपने बेटे का गम भुलाकर अपनी विधवा बहू का जीवन सुधारने का अत्यंत सराहनीय कदम उठा लिया था। सुमी ने तो अपने होने वाले पति को देखा भी नहीं था। जब से भाई को जेल हो गई थी, तब से माँ बहुत परेशान थी। भाई को छुड़ाने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे, तभी अजय की माँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर आ गई थी। आनन फानन में शादी हो गई। चेहरे पर घूंघट होने से उसने पति की शक्ल भी नहीं देखी थी। सुमी अपने ससुराल में आई तो वहाँ का वैभव और ऐश्वर्य देखकर हैरान हो गई थी। उसे सजे धजे कमरे में लाकर बिठा दिया गया। हेलो, तुम्हें पता है ना, तुम सिर्फ मेरी हो। ये कहते हुए वो एक ही छलांग में बिस्तर पर आ गया और उछल उछल कर गुदगुदे बिस्तर पर कूदने लगा। कितना मजेदार है ना ये बिस्तर। उसके होठों से लार बह रही थी, जिसे वो बार बार अपनी कमीज में पोंछ ले रहा था। सुमी डर कर बिस्तर से उछल कर नीचे खड़ी हो गई। उसके माथे पर पसीना छलछल आ गया। तुम कौन हो, निकलो यहाँ से। अरे मम्मी ने कहा कि तुम मेरी दुल्हन हो। क्या, मेरी शादी तुमसे हुई है? और क्या, तुमने देखा नहीं था क्या मुझे? सुमी तुरंत कमरे से बाहर आ गई। सामने ही सास रूपा खड़ी थी। ये क्या मजाक है, आपने मेरी शादी अपने पागल बेटे से करवा दी। शांत हो जाओ, मैंने तुम्हारी माँ को सब कुछ बता कर ही ये शादी की थी। किसी को धोखा नहीं दिया मैंने। मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती, मैं अभी जा रही हूँ। चली जाना सुबह तक, इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा। मैं उस कमरे में नहीं सोऊंगी। सुमी, ये पहले ऐसा नहीं था। एक बार हमारी गाड़ी किसी पेड़ से टकरा गई, उसमें मेरे पति की तो जान ही चली गई और इसके सिर में चोट लगी। मुझे और रंजीत को हल्की फुल्की चोट ही लगी थी। ये तब से ऐसा हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि शादी के बाद ये ठीक भी हो सकता है, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। मम्मी देखो ना, ये मेरे साथ खेल भी नहीं रही है। तुम जाकर सो जाओ अभी, वो थक गई है ना, इसीलिए गेस्ट रूम में सो गई। ठीक है मम्मी, आप मेरे पास सो जाना। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। आओ, तुम गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ। सुमी चुपचाप उनके पीछे गेस्ट रूम में चली गई। बिस्तर पर लेटकर अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती रही। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद खुली तो कमरे से बाहर निकल कर आई। मैं जा रही हूँ। बाहर गाड़ी खड़ी है, जाओ। सुमी जाकर गाड़ी में बैठ गई। अपने घर पहुँची तो देखा उसका भाई तख्त पर बैठा है। तुम कब आए? जब तुम गई। तुम इतनी सुबह सुबह। माँ, क्या मुझे अपने घर भी टाइम देकर आना होगा? माँ, 2 लाख रुपए कहाँ से मिले? ओह, अब मैं समझी, अपने इस लाडले बेटे को छुड़ाने के लिए तुमने मेरी शादी उस पागल से करा दी। ठीक है माँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। इतना कहकर वो बिना रुके वापस आ गई। घर आते ही, आ गई। जी हाँ, आ गई। ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली गई। तुम आ गए, चलो अब हम खूब खेलेंगे। तुम आज मेरे साथ खेलोगी ना? बोलो। हाँ, जिनके पास दिमाग है उन्होंने मुझे अपने स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा दी, उनसे अच्छे तो तुम ही हो। चलो फिर बाहर चलकर नाश्ता कर लेते हैं। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। अजय का भाई कहता है, अरे अजय का हाथ छोड़ दो, लग जाएगी ना। नहीं छोड़ता तुमसे, करते तुम बहुत गंदे हो। अजय,
नाश्ता कर लो। चलो हम नाश्ता कर लेते हैं। डाइनिंग टेबल पर सुमी उसके बगल में बैठ गई। अजय कुछ खाता तो कुछ गिराता। भाई ठीक से खाओ, सब गंदगी फैला रहे हो आप। मैं साफ कर दूंगी, तुम खा लो। उसने नैपकिन से उसका मुंह पोंछ दिया। नाश्ते के बाद, आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारी माँ से मिल गया होगा। आपने 2 लाख रुपए का लालच दिखाकर मेरी मजबूर माँ से मुझे खरीद लिया। हाँ, मैंने तुम्हें खरीद लिया। तुम जाना चाहो तो जा सकती हो अपने घर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आपके 2 लाख रुपए की कीमत न चुका दूं। सुमी दिन रात अजय के पीछे छाया बनकर घूमती रहती। फिर एक दिन, गरीब घर की लड़की लाई हूँ, इतना सुख कहाँ नसीब हुआ होगा उसे। अजय का पूरा ख्याल रखती है। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो आज आपका ये वैभव छोड़कर चली जाऊँ। आज के बाद अगर कभी मैंने इस तरह की बातें सुनी तो मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी। उसके बाद रूपा का फोन आता है तो वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर एक दिन, चलो ना मेरे साथ खेलो। चलो चलो ना, मैं छुप जाऊंगा, तुम मुझे ढूंढना, लेकिन ना तुम्हें अपनी आंखों पर ना बट्टी बांधनी पड़ेगी। अजय ने झट से उसका दुपट्टा ले लिया और बोला, मैं तुम्हारी आंखों पर बांधू? अच्छा लो, तुम ही बांधो। अजय ने उसकी आंखों पर दुपट्टा बांध दिया। वो उसको ढूंढने लगी। थोड़ी ही देर में वो पकड़ लिया। जैसे ही उसने दुपट्टा हटाया तो रंजीत मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा था। वाह, क्या किस्मत पाई है भाई ने, कितनी खूबसूरत हो तुम। सुमी गुस्से से उसका हाथ झटक कर, अजय अजय कहाँ हो तुम? उसने देखा कि अजय पेड़ की ओट में आंखें नीचे बैठा हुआ था। सुमी ने उसे उठाया और बोली, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? रंजीत ने मुझे मारा। रंजीत, तुमने अजय पर हाथ क्यों उठाया? तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। वो अजय का हाथ पकड़कर गुस्से में अजय को लेकर अपने कमरे चली गई। रात हुई तो रंजीत उनके कमरे में आकर, सुमी मुझे माफ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। अजय उसको देखते हुए सुमी के पीछे छुप गया। तुम्हें मुझसे नहीं अपने भाई से माफी मांगनी चाहिए। भाई मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। आइसक्रीम के नाम पर वो उछलते हुए सामने आ गया। सुबह चलेंगे, अभी तुम सो जाओ। अरे यार, मम्मी अभी बाहर गई है, शायद आज वहीं रुकना पड़े। सुमी ने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन उसने जबरदस्ती उसको अपने पास खींच लिया। तब तक अजय ने पास पड़े फूलदान से उसके सर पर दे मारा। अचानक चोट लगने से रंजीत गिर गया, खून भी बहुत बह रहा था। सुमी उसको उठा रही थी तभी रूपा आ गई। क्या हुआ इसे, किसने मारा? अभी पुलिस को बुलाती हूँ, नंबर डायल कर दिया था। अजय ने जब सारी बातें बताई तो उनका खून सूख गया। तब तक पुलिस भी आ गई, सबूत सामने था। अजय को हथकड़ी लगा दी गई। तभी, मैंने मारा है, आप इस बेगुनाह को छोड़ दीजिए। सुमी, तुम क्या कह रही हो? शायद 2 लाख का हिसाब चुकाने का मौका इससे अच्छा नहीं मिल सकता। आपके स्वार्थ ने आपके खानदान के एक लौते चिराग को भी बुझा दिया। आपका क्या होगा ये सोच लीजिए। चलो मैडम, देर हो रही है, चलो। रूपा के पास कुछ भी नहीं रह गया था सिवाय आंसुओं के।